योगेश रालेभात और राकेश रालेभात जामखेड़ कृषि उत्पन्न कमेटी के सामने अपने दोस्त के साथ एक होटल में बैठे थे। तभी एक मोटरसाइकिल पर चेहरा ढके तीन लोग आए। उनमें से एक नीचे उतरा और उसने रिवॉल्वर निकालकर दोनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों को गंभीर रूप से घायल कर हमलावर बाइक पर सवार होकर बीड रोड की ओर फरार हो गए। जख्मी हालत में दोनों को पहले जामखेड़ और बाद में अहमदनगर लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। योगेश रालेभात और राकेश रालेभात दोनों ही राकंपा के कार्यकर्ता थे। इनकी हत्या से जिले में सनसनी फैल गई है। एक अज्ञात मोटरसाइकिल तीन सवार आ गए और उसमें से दो लोगों ने उन दोनों के ऊपर गोलीबारी किया है। उसमें दो गंभीर स्वरूप से जख्मी हो गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया था। उसके बाद में उनका डेथ हो गया ऐसे समझ में आया। जो आरोपी आए थे उन्होंने दोनों को सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था, उस वजह से उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। अभी आरोपी के शोध के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गए, जल्द ही हम आरोपी का पता लगाएंगे। इससे पहले भी इसी महीने 7 अप्रैल को शिवसेना के कार्यकर्ताओं की अहमदनगर के पास केट गांव में चुनावी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पिछले टाइम जो गोलीबार हुआ था उसमें के आरोपी पूरे अरेस्ट है और उनके ऊपर एक दो दिन में चार्जशीट भी भेज रहे हैं। इस सिलसिलेवार गोलीबारी और हत्या की वारदात से जिले की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं। अहमदनगर से राजेंद्र त्रिमुखे, खबरदार।